हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है गौरव और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस 2 के हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में से 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सीईटी एग्जाम। सीईटी एग्जाम के लिए 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में से। तो चलो देखते हैं पहला पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है ग्रेगोर जॉन मेंडल इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स का पायनियर कौन है ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे तो तुम्हें सिंपली बता देना है ग्रेगोर जॉन मेंडल इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ mRNA बाय डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। मतलब जब राइबोसोम ऐसे ही mRNA जो कोडॉन के वन एंड से दूसरे एंड तक घूमते रहता है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ DNA टू RNA इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किसे बोलते हैं? जब इंफॉर्मेशन DNA टू RNA ट्रांसफर होती है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। हमारा फोर्थ पॉइंट है डक बिल्ड प्लेटिपस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स इनके बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या है? डक बिल्ड प्लेटिपस। मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि डक बिल्ड प्लेटिपस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो तुम्हें सिंपली से बता देना है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो इसका देख लेते तो प्लेटिपस का भी देख लेते हैं। पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ओके, तो ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस द एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन ऐसा होना चाहिए, एस लगाए पूरे वो जाने दो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द फोर्सेस ऑफ इनवर्टिबेट्स इंडिकेट्स दे बिलोंग्स टू पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे नेंदरथल मैन कैन बी कंसिडर एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन। वाइज मैन का फर्स्ट एग्जाम्पल किसे बोल सकते हैं? तो वो होगा नेंदरथल मैन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विजडम टीथ ईयर मसल्स बॉडी हेयर्स आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे कॉमा डालना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। तो तुम्हें ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स हम में कौन से हैं, तो वो है विजडम टीथ ईयर मसल्स एंड बॉडी हेयर्स, ये सारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटीन लोकेटेड इन बोन्स इज ओसिन। हमारे बोन्स में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है घुमा के कि ओसिन कहाँ पे लोकेट होता है, मतलब कहाँ पे होता है हमारे शरीर में, तो वो होता है बोन्स में, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है मैमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। मतलब मैमल्स किससे इवॉल्व हुए हैं? वो हुए हैं रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पे ले सकते हो सारे स्क्रीनशॉट और चल मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।